नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीत कौर स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए अंबी मेहंदी डिजाइन की फाइनल क्लास, जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से एक अंबी की शेप क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हल्का सा राउंड देते हुए एक अंबी की शेप क्रिएट की है और इसके ऊपर मैं दे रही हूँ इस तरीके से दो आउटलाइन। मैंने यहाँ पे डबल आउटलाइन क्रिएट की है और अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ छोटे छोटे स्मॉल सर्कल। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल सर्कल क्रिएट किए हैं दोस्तों। आई होप कि आप सब लोगों ने हमारे इससे पहले की अंबी मेहंदी डिजाइन का जो बेसिक पैटर्न था, यानी कि जो बेसिक क्लास मैंने अपलोड की हुई अपने चैनल के ऊपर, उसकी आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी दोस्तों। क्योंकि अगर हमें एडवांस में कोई भी डिजाइन सीखना है तो उसके लिए हमें उसका बेसिक पैटर्न सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हमें पता होना चाहिए कि हम उस शेप को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक बेसिक से एलिमेंट के द्वारा हमारी अंबी की बहुत ही अच्छी तरीके से फीलिंग की है और हमारा ये पैटर्न बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप यहाँ पे इस एलिमेंट के अलावा कोई और भी पैटर्न यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई और एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से हार्ट की शेप की पत्तियाँ। आप यहाँ पे हार्ट की शेप की पत्तियों के अलावा कोई और एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मधुबनी का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, गोल्फ का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई फ्लावर यहाँ पे दे सकते हैं या फिर डबल अंबी भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जो हार्ट की शेप की पत्तियाँ मैंने क्रिएट की है, इसके अंदर मैं ड्रॉप के डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे शेडिंग भी यूज कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक और अंबी की शेप क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से, और ये जो शेप है ये ए शेप है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हम हल्का सा ए शेप वाली अंबी क्रिएट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे डबल आउटलाइन क्रिएट की है और उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल सर्कल क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो स्मॉल सर्कल की जगह यहाँ पे कोई और एलिमेंट यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज करना चाहते हैं। अब इस अंबी की फीलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे राउंड वाले सर्कल यूज कर रही हूँ दोस्तों। हल्का सा राउंड किया और फिर उसको हल्का सा अंदर की तरह रोटेट करके छोड़ दिया। इस तरीके से राउंड करेंगे फिर हल्का सा अंदर की साइड इसको छोड़ देंगे। इस तरीके से आप इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से फीलिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो इस एलिमेंट के अलावा यहाँ पे कोई और भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड से कोई एलिमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हम मेहंदी का अच्छे से एडवांस पैटर्न नहीं सीख सकते। सो प्लीज गाइस, आप सब लोग साथ साथ में नहीं बल्कि बाद में भी इन स्पीड डिजाइन की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ पे अब मैं क्रिएट कर रही हूँ सर्कल वाले हाफ पत्तियाँ, यानी कि यहाँ पे हम सर्कल वाली हाफ पत्तियाँ क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। इन पत्तियों के अंदर अगर आप चाहे तो शेडिंग क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप इनको हल्का सा बोल्ड करके ऐसे ही रख सकते हैं। मैं इनको हल्का सा बोल्ड करके ऐसे ही रख रही हूँ दोस्तों। अगर आप चाहे तो इनके अंदर ड्रॉप का डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे भी हमारा ये पैटर्न बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन क्रिएट हुआ है दोस्तों। अगेन मैं एक और अंबी की शेप क्रिएट कर रही हूँ दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आप सब लोगों को हमारी आज की क्लास के ये जितने भी पैटर्न है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप लोगों को अंबी डिजाइन को लेकर के जितने भी डाउट्स थे वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। आप लोगों को साथ साथ में ही नहीं बल्कि बाद में भी इन स्पीड डिजाइन की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे चेक के डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ और हमारे जो चेक है वो बहुत ही छोटे छोटे क्रिएट होने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज गाइज, आप सब लोग साथ में नहीं बल्कि बाद में भी इन स्पीड डिजाइन की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे इससे पहले की क्लासेस की प्रैक्टिस नहीं की और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी क्लासेस मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिले और आप लोग साथ साथ में उन सभी क्लासेस की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और बहुत ही अच्छे तरीके से मेहंदी लगाना सीख सके। क्योंकि जितने भी बिगनर्स, फ्रेशर, जितने भी नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं
हैं और वो दिल से चाहते हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है मेहंदी को सीखने के लिए, मेहंदी के अंदर उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके लिए मेरा ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों आप सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेहंदी लगाना सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हैं। सो प्लीज गाइज आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मेहंदी लगाना सीख कर अच्छे से अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन सके। हमारा ये पैटर्न भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमारे जितने भी पैटर्न थे अब तक वो हमने बहुत ही सिंपल से तरीके से उन सभी पैटर्न को हमने क्रिएट किया है दोस्तों, लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस तरीके से इन सभी पैटर्न को क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक फ्लावर क्रिएट किया और हमारा ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल सा फ्लावर है दोस्तों। आप यहाँ पे इन पत्तियों की जगह हार्ट की शेप की पत्तियां यूज कर सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पत्तियां जो हमने सीखी है बनाने, उन सभी पत्तियों के अंदर से आप कोई भी यहाँ पे पत्ती क्रिएट कर सकते हैं, कोई अलग एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करके आप अंबिका डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से एक अंबिका डिजाइन क्रिएट किया है और अब इसकी फिलिंग करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मधुबनी का डिजाइन। दोस्तों मधुबनी का डिजाइन बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल होता है, बस हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जब भी हम मधुबनी का डिजाइन क्रिएट करते हैं तो उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए, यानी कि जब भी हम मधुबनी के डिजाइन के अंदर जो भी हम गैप रखते हैं उसके अंदर जब हम मेहंदी की अच्छे से फिलिंग करते हैं तो उस फिलिंग के दौरान हमारा जो डिजाइन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम इन सभी डिजाइन्स को अच्छे से हल्का सा बोल्ड कर लेंगे और बोल्ड करते टाइम भी हमें बहुत ही ध्यान देना है कि हमारा डिजाइन बिल्कुल भी खराब ना हो, बिल्कुल भी मैशिंग ना हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से इन सभी डिजाइन्स को अच्छे से बोल्ड कर दिया और बाकी जो हमारा गैप बचा है उसको हम मेहंदी से अच्छे से फिल कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे मेहंदी से इन सभी डिजाइन्स को इस गैप को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल कर देंगे दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि हमारी ये अंबिका इतनी अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छा डिजाइन लग रहा है। दोस्तों आप इन सभी पैटर्न को अपनी मेहंदी की स्टार्टिंग के अंदर, एंड के अंदर या मिड पार्ट के अंदर इन सभी डिजाइन्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। दोस्तों अरेबिक मेहंदी के अंदर जब भी आप इन सभी डिजाइन्स को यूज करेंगे, इन सभी डिजाइन्स को क्रिएट करेंगे तो आपका वो पैटर्न, आपका वो डिजाइन बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगने वाला है और आपका क्लाइंट भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा दोस्तों और बार बार आपको ही मेहंदी लगाने के लिए बुलाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा पैटर्न लग रहा है हमारा ये। और दोस्तों अगर आप मुझसे ऑफलाइन मेहंदी का कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक आउटलाइन ली, उसके ऊपर मैं दे रही हूँ इस तरीके से छोटे छोटे स्मॉल सर्कल, इस तरीके से हम यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल सर्कल क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि हमारा ये पैटर्न थोड़ा एडवांस भी है, इजी भी है, सिंपल भी और बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रहा है। यहाँ पर हम इस तरीके से एक और फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे एक अंबी का डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई लीफ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं मधुबनी का, या फिर गोल्फ का डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम नए नए एलिमेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और हमारी मेहंदी को जितना चाहे उतना एडवांस लुक दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और अंबी का डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ। दोस्तों ये देखिए, देखने में तो ये अंबी ऐसी लग रही है जैसे कि मैंने एक पिकॉक का डिजाइन क्रिएट किया है, बट ये एक अंबी का डिजाइन ही है। दोस्तों पिकॉक के डिजाइन में और अंबी के डिजाइन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, दोनों एक जैसे ही हैं। अगर हमें अंबी का डिजाइन बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट करना आ गया तो हम पिकॉक का डिजाइन भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डबल आउटलाइन क्रिएट की है और इसके ऊपर मैं दे रही हूँ छोटे छोटे स्मॉल सर्कल। दोस्तों मैंने हर एक अंबी के अंदर स्मॉल सर्कल यूज किए हैं क्योंकि इससे हमारा जो अंबी का पैटर्न है वो बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली जब हम अरेबिक मेहंदी लगाते हैं अपने हाथों के ऊपर, एज ए बेल हम जब लगाते हैं अपने हाथों के ऊपर, तो ये पैटर्न बहुत प्यारे, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल है एंड क्विकली लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं अगेन एक और अंबी का डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पे हमने डबल अंबी का पैटर्न यूज किया है दोस्तों, और अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से एक लीफ का डिजाइन। अगेन मैं एक और लीफ का डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, फिर मैंने एक और लीफ यहाँ पे क्रिएट की। इस तरीके से हमने यहाँ पे तीन लीफ क्रिएट की है और अब इसकी फिलिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक बहुत ही इजी एंड सिंपल सा पैटर्न, बहुत ही इजी एंड सिंपल सा एलिमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों।
सो प्लीज़ गाइज, आप सब लोगों को हमारी आज की क्लास कैसे लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की क्लास के अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा पैटर्न, कौन सा एलिमेंट आप लोगों को पसंद आया उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को अम्बी डिजाइन के अंदर या फिर किसी भी तरीके की मेहंदी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस करनी पड़ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो किसी भी डिजाइन के अंदर, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। क्योंकि जब तक आप मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज गाइज, आप सब लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपकी उन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकूं। आप सब लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो जो चीजें आप जानना चाहते हैं वो आप नहीं जान पाएंगे, जो डिजाइन आप सीखना चाहते हैं वो आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। सो प्लीज गाइज, आप बहुत ही आराम से, ध्यान से और पेशेंसली इन सभी वीडियोस को देखिए, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अर्न कीजिए। क्योंकि अगर आप परफेक्ट मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप सब लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा और इन सभी डिजाइन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो दूसरी अम्बी बनाई थी उसके अंदर मैं बना रही हूँ इस तरीके से मधुबनी का डिजाइन, और जो हमारा मधुबनी का डिजाइन है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप केवल मधुबनी का डिजाइन क्रिएट करके, ओनली मधुबनी के डिजाइन से भी आप अपनी मेहंदी को बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा लुक दे सकते हैं। हमारे हाथ के अंदर ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा लगता है। और नए नए मेहंदी ट्यूटोरियल के लिए आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी यानी कि मेरी वी टू मेहंदी डिजाइन पर डीएम कर सकते हैं दोस्तों। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है वी टू मेहंदी डिजाइन के नाम से। और आप लोगों को हमारी आज की क्लास के मिनी ट्यूटोरियल एंड पिक मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर अवेलेबल हो जाएंगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है वी टू मेहंदी डिजाइन के नाम से। सो प्लीज गाइज, आप सब लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करना ना भूलें। और जितने भी डिजाइन मैंने आप लोगों को आज सिखाए हैं उनको आप रिक्रिएट कीजिए एंड अपने इंस्टाग्राम आईडी पर उन सभी की स्टोरी लगाइए और मुझे मेंशन करना ना भूलें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ये पैटर्न कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को इन सभी डिजाइंस को सिखा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सब लोग यहाँ पे अच्छे से मेहंदी लगाना सीख रहे हैं, तो प्लीज गाइज आप दिल से मेहंदी लगाना सीखिए एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी डिजाइंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डिजाइन क्रिएट हुआ है। दोस्तों हमारी आज की क्लास का ये लास्ट पैटर्न है और ये भी बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल है, और आप सब लोग भी इन सभी डिजाइंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्योंकि आज की क्लास का जो पैटर्न है वो एडवांस भी है, सिंपल भी है, इजी भी है और ट्विक लगने वाला भी है। आप अरेबिक मेहंदी के अंदर, मांडला मेहंदी के अंदर, ब्राइडल मेहंदी के अंदर, भरवा मेहंदी के अंदर, किसी भी तरीके के डिजाइन के अंदर, पिकॉक मेहंदी के अंदर भी अगर आप इन सभी पैटर्न को यूज करके अपनी क्लाइंट के हाथों पे लगाते हैं तो आपकी मेहंदी बहुत ही प्यारा सा लुक देती है, एक बहुत ही अच्छा सा डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि आपने यहाँ से सीखा और वहां पे जाके आपने पेस्ट कर दिया, आपको अपने माइंड से भी बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन क्रिएट करने हैं दोस्तों। सो प्लीज गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मेहंदी लगाना सीखें। और जितने भी नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, बिगनर्स, फ्रेशर, जितने भी नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं और अब तक अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज गाइस आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग भी अच्छे अच्छे डिजाइन से सीख के नए नए वीडियोज में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, नए नए पैटर्न में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। अगर आप उन भी पैटर्न को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है वी टू मेहंदी डिजाइन के नाम से। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, मेरा जो चैनल है वो है वी टू मेहंदी डिजाइन के नाम से एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस अम्बी की फिलिंग करने के लिए एक बेसिक सा पैटर्न ही यूज किया, एक सिंपल से एलिमेंट यूज करके मैंने इस मेहंदी को, इस अम्बी को अच्छे तरीके से फिल कर दिया है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा ये एलिमेंट, हमारी अम्बी बहुत ही प्यारी लग रही है दोस्तों।
सो प्लीज़ गाइस, आप सब लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही अच्छे से इन स्पीड डिजाइंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे तरीके से परफेक्ट बनते रहेंगे। और मेहंदी को लेकर के आप लोगों के जितने भी डाउट है उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इससे पहले की जो क्लास है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, या फिर आप लोगों को हमारी वो क्लास नहीं मिल रही है, कि जैसे ही हमारी ये वीडियो एंड होगी, वीडियो के एंड में आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, उस वीडियो को चलाइए और अच्छे से उस क्लास की प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर हल्का सा गोल्फ का डिजाइन दिया और इसके ऊपर मैं क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है दोस्तों, क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्लास, एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन, एक ऐसा एलिमेंट जिसको सीख के आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और भी ज्यादा तरीके से एडवांस बन सकते हैं, खुद को और भी ज्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। बट उसके लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब जितना टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा दोस्तों। सो प्लीज गाइस, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड बी प्रैक्टिसिंग गाइस। सो टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।